हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों के फ़ायदे का है। बेसिकली पाकिस्तानी परफ्यूम्स पे डिफरेंट ब्रांड्स के पर सेल लगी हुई है, तो आई विल शेयर विद यू गाइस माय रिकमेंडेशंस के विच वन यू शुड बाय एंड विच वन यू शुड नॉट बाय। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथनिक की। एथनिक के ऊपर सेल लगी हुई है, एथनिक के नए परफ्यूम्स भी आए हैं और कुछ 4-5 परफ्यूम्स के ऊपर उन्होंने सेल लगाई है। बट मेरी रिकमेंडेशंस अगर आप लोग लें तो मैं यही कहूँगी कि आपको एथनिक के उन सेल्स के परफ्यूम्स में से कुछ भी परचेज़ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे उन परफ्यूम्स के ऊपर सेल लगी हुई है जो कि सबसे बेकार है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, एक भी अच्छा नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर मनी देयर। इसके बाद बात कर लेते हैं बोनेंजा की। बोनेंजा के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई है, तो अच्छे परफ्यूम्स में मैं आपको लिस्ट डाउन कर देती हूँ कि विच वन यू कैन बाय ऑन सेल। सबसे पहले तो वो बोनेंजा प्योर रोमांस, वो भी सेल पे है। इसके अलावा बोनेंजा इंचांट, वो भी सेल पे है। इसके अलावा नए परफ्यूम्स में से जो मुझे अच्छे लगे वो थे बोनेंजा का पिंक पेटल्स। पिंक पेटल्स बहुत अच्छा है समर के हिसाब से, और वो ड्यूप है डियोर जेडोर का भी, तो पिंक पेटल्स बेस्ट है फॉर समर सीजन्स। अगर आपको इस समर के लिए कोई परफ्यूम चाहिए तो यू कैन बाय दैट। इसके अलावा बोनेंजा ड्रीम्स भी अच्छा है, जो कि एक बहुत स्वीट सा और एक डिज़र्ट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। इसके अलावा आप बोनेंजा डेजल भी ट्राई कर सकते हैं। बोनेंजा डेजल है ड्यूप अरमानी माई वे का, मैंने एक वीडियो की थी उसमें भी आपके साथ शेयर की थी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बोनेंजा के बहुत सारे परफ्यूम्स के ऊपर सेल है, तो आप देख लें, आपको जो पसंद है यू कैन बाय दैट। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं खाडी की। तो खाडी में वैसे तो इनकी ऑनलाइन कोई भी परफ्यूम्स इनलिस्टेड नहीं है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन आप अगर इनके स्टोर पे जाएं तो यू कैन फाइंड आउट के 3-4 परफ्यूम्स के ऊपर सेल लगी हुई है, और है भी सेल 30% की। तो आप 2400 तक का परफ्यूम आपको मिल जाएगा, जिसमें से मैंने ये एक परचेज़ किया है। मैंने परचेस किया है खाडी का गोल्डन ब्लॉसम, जो कि मुझे 30% सेल पे मिला है, एंड इट्स अ मैग्नोलिया फ्रेग्रेंस। मैग्नोलिया फ्रेग्रेंस आपको पता है कि मुझे कितनी पसंद है, मैग्नोलिया फ्लावर की फ्रेग्रेंस, और इट्स प्योरली एंड मेनली मैग्नोलिया फ्रेग्रेंस विद सम ग्रीन नोट और रिफ्रेशिंग एक्वाटिक फ्लोरल, इस तरह की सेंट है। ये गर्मियों के लिए बेस्ट है, डे टाइम के लिए बहुत लाइट सेंट है। अच्छा, इस सेंट की लास्टिंग तो अच्छी है, मतलब स्किन के ऊपर अच्छा लास्ट करती है, आपके कपड़ों में भी अच्छा लास्ट करती है, बट इसकी जो प्रोजेक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन इसकी नहीं है। ये बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, तो बहुत पास से अगर कोई स्मेल करे तो आती है, तो वरना इसकी स्मेल ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन है बहुत लॉन्ग लास्टिंग। सो समर्स के डे टाइम्स के लिए जो नॉन बॉदरिंग सेंट होती है ना, तो वो बहुत अच्छी है, बहुत फेमिनिन, बहुत फ्लोरल और एक्वाटिक रिफ्रेशिंग, समर्स के लिए बेस्ट है। और 100 ml परफ्यूम है सिर्फ 2400 में। आजकल कोई भी परफ्यूम पाकिस्तानी ब्रांड्स में 2400 का नहीं मिल रहा है 100 ml का, 3000 से कम का तो कोई परफ्यूम अवेलेबल है ही नहीं। तो आई थिंक कि ये अच्छा आप लोगों के पास चांस है, आई थिंक यू शुड बाई दिस वन अगर आप लोग खाडी के स्टोर पर जाते हैं। इसमें 3 थे, एक रेड वाला था, एक ग्रीन वाला था, बट आई हैव परचेज दिस येलो वन विच इज़ मैग्नोलिया फ्लावर फ्रेग्रेंस एंड आई रियली लव इट। आई थिंक देयर वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही हो कि आजकल सेल में से क्या परचेज करना है और क्या नहीं। और ज़ेलबरी के कुछ परफ्यूम्स आउट ऑफ स्टॉक हैं, मेरी उनसे बात हुई थी जब मैं स्टोर पे गई थी, तो दे सेड के अभी ये रीस्टॉकिंग कर रहे हैं हम, तो जो वीकेंड है वो भी रीस्टॉक हो जाएगा, अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, लेकिन वो स्टॉक में नहीं है और वो मैन्युफैक्चरिंग में है। सिमिलरली जे डॉट फ्लोरा का भी मैंने उनसे बात की थी, उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा कि ये अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग डिलेज हैं और रीस्टॉक हो जाएगा, तो ये भी जल्दी मैन्युफैक्चर होके और रीस्टॉक हो जाएगा। सो यू गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वुड लाइक टू वॉच ऑन दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।